दोस्तों आखिरी ओवर से पहले मुंबई इंडियंस ने ऐसी शानदार पारी खेली कि आखिरी ओवर से पहले मात्र 8 रनों की जरूरत होती है। आपको बता दें 15 ओवर के अंदर ही स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि 83 रन बना चुके होते हैं, लेकिन दोस्तों बाउंड्री मारने के चक्कर में वो भी आउट हो जाते हैं और अब आखिर में मात्र 27 गेंदों के अंदर 6 रनों की जरूरत होती है। और उसके बाद दोस्तों उतरते हैं कैमरॉन ग्रीन और नेहल वदेरा। नेहल वदेरा दोस्तों पहले से ही काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने कि 11वें ओवर में ही टाटा की गाड़ी का एक हैंडल भी तोड़ दिया था। और दोस्तों आखिरी 22 गेंदें बची होती है, जहां पर नेहल वदेरा को 6 रनों की ज़रूरत होती है जीतने के लिए, लेकिन दोस्तों यहां पर आखिरी गेंद पर सिंगल या डबल नहीं बल्कि सीधा ही 6 रन लगाकर नेहल वदेरा मुंबई इंडियंस को जीत दिलवा देते हैं। और दोस्तों इसी के बाद हमें रोहित शर्मा और पूरी टीम के साथ ही सचिन तेंदुलकर का भी रिएक्शन देखने को मिलता है, जो कि आखिरी बॉल पर नेहल वदेरा ने जो जीत दिलवाई है उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस अब सीधा 3रे नंबर पर पहुँच चुकी है।